सियासत में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, चौंकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बिहार की सियासत में हर रोज़ चौंकाने वाली खबर आती रहती है। बताते चले वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी रह गए अकेले। उनके तीन विधायकों ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी का साथ ज्वाइन किया, नहीं नहीं बीजेपी में ही विलीन हो गए। बिहार की सियासत में बड़ी खबर सामने आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो को आज बड़ा झटका लगा है। उनके पार्टी के तीन विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाप लिया। उसी में मिश्रीलाल यादव, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और तीनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर अपना समर्थन पत्र अध्यक्ष को सौंप दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है बिहार प्रदेश में नंबर एक की पार्टी, सबसे ज़्यादा विधायकों के साथ, आरजेडी के 75 और बीजेपी के 77। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी ने बेबी देवी को अपना उम्मीदवार बना, वहीं मुकेश सहनी ने राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम की बेटी को चुनाव में उतार दिया, जो गली का हड्डा बन गया बीजेपी के लिए। इसी कारणवश बीजेपी ने मुकेश सहनी को एक एक करके झटके दिए। क्या अब मुकेश सहनी अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यह खटास उत्तर प्रदेश चुनाव से ही चली आ रही थी, जहां मुकेश सहनी ने बीजेपी से अलग होकर के अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। खास बात बता दें, मुकेश सहनी एमएलसी कार्यकाल है उनका 21 जुलाई 2022 को ख़त्म हो रहा है। विनोद नारायण झा वेनीपट्टी से विधानसभा चुनाव जीतते हैं, उसके बाद उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी थी। इस सीट पर सनी को बीजेपी पे, यानी मुकेश सहनी को बीजेपी ने एमएलसी बनाया था, जबकि वह चाहते थे कि 6 साल के लिए बने, लेकिन उन्हें दिया गया छोटा कूपन, यानी कम समय वाला एमएलसी वाला सीट इनको दिया गया। तो ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बिहार से बताते चले कि मुकेश सहनी अपने ही पार्टी में रह गए अकेले। क्या मंत्री पद जो उनको दिया गया वो बच पाएगा, क्योंकि 121 सीट में से 11 सीट का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बिहार विधानसभा में से दिया था। लेकिन अब इतनी खटास हो चुकी है, जहां विधायक मुकेश सहनी के छोड़कर बीजेपी में विलय ले लें, तो मुकेश सहनी का मंत्री पद बना रहेगा या कुछ और आगे में खेला होगा। बिहार के इन दिनों में एमएलसी चुनाव भी है और उपचुनाव भी है और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी क्या यहां से होगी, ये देखने की और चौंकाने की खबर होगी।